एक्टिंग करने का। आज के व्लॉग में सबसे ज्यादा परेशान हुई है राबिया, जो सबको परेशान। मामा उसका फोन नहीं मिल रहा है, दिल कर रहा है शुक्र में लग के करूँ। ने अब एक जगह पहुंचना है, ये बड़ी खतरनाक रोड है। या ला इतनी बड़ी बस जी मेरी साइड पे आ चुका है। ये व्यू तो चेक करें यार, ये प्लान पहले से ही है कि इसको कौन सा रंग चाहिए, वो अब देखें ड्रामा का। राबिया बेचारी बहुत जख्मी है, राबिया को लगी हुई है चोटें हाथों पे, ये देखें। ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं आज राबिया के साथ क्या हुआ। ये तुम पागल हो राबिया, उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी। एक तो पता लगे लाहौर से लोग आए थे तो बेचारों के रेड़े में से फूल ले गए। मुझे धूप छूप निकली होगी, दिन अच्छा चढ़ा होगा। पहले तो मैं आपको यहाँ अपने अपार्टमेंट की खिड़की से एक्सप्लोर करवाती हूँ। देखिए सामने में कितनी सारी लाइट्स है और यहाँ का व्यू बहुत अमेजिंग है, और यहाँ पर ढेर सारी गाड़ियां भी नजर आ रही है। वो देखो कितनी सारी गाड़ियां वहाँ पे खड़ी हुई। अब चलती हूँ अपनी बहनों को उठाती हूँ। एक बहन तो उठी हुई, जिसके हाथ में कैमरा, मतलब उठी ही हुई है, वैसे ही उठी हुई है। तो वहां जाकर उनको उठाती हूँ, फिर कुछ खाना शाना खाते, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत शदीद वाली भूख। सो अब हम आए हैं इन गर्ल्स के कमरे में, और गर्ल्स में से कौन कौन सो रहा है, ये मतलब तीन लाशें पड़ी हुई है इधर आते समय। मम्मी उठी हुई है और जैनब उठी हुई है, ये देखें। ये देखो जरा हीरा, और ये है जी वो। उठ जा यार फातिमा। तो हाय फातिमा में यार, उठ जाओ यार, भूख लगी हुई है, कुछ खाना है। मैंने मुझे भी भूख लगी हुई है। तुम लोगों को मैं यहाँ पे सुनाने के लिए लेकर आई हूँ। 9 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ भी बंद होता है। उठ जाओ, 9 बजे सो जाते हैं, क्योंकि ये रिटायरमेंट सिटी है। हमारे लोगों को आदत पड़ी हुई है कि हम लोगों की दिन, हमारा दिन 9 बजे शुरू होता है, और 9 बजे जब दिन शुरू हो जाए तो इट्स मीन कि हमारा डिनर 2 बजे होता है रात के। तो तुम लोग जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैं भी फ्रेश होने जा रही हूँ, तब तक मैं तो रेडी हो जाऊँ। उठो, ये देखें ये दोनों आपस लड़ रही हैं यहाँ पे। तुम तो सोए सोए उठो, उठो और कुछ सोई यार, इनको उठाना बहुत मुश्किल है। पहले घर से निकालना मुश्किल था, अब उठाना बहुत मुश्किल है। हाँ जी मॉम पावर, अम्मी ना होती तो मैं तो इनको कभी भी ना उठा पाती। और पापा होते हैं तो हम लोग 4 घंटे पहले टाइम है अनबॉक्सिंग करने का। हमने सामान है, ये मेरा जो सामान है, उसके तो कपड़े निकाल लिया। मेरा टाइम है तैयार होने का, मैं पहले अपने बैग को पूरे अपार्टमेंट की सेट कराऊंगी, उसके बाद मैं इसमें से कपड़े निकालूंगी और फिर मैं तैयार होकर आपको दिखाऊंगी। और अब आपको मैं तैयार होकर ही सबका दीदार कराऊंगी। हाँ 1 2 3 सबसे पहले आएगी जी मानो, ये हो चुकी है तैयार। ये मानो का गेटअप देख लें आप लोग, कैसी लग रही हो? नाइस लुकिंग, ग्रेट। आप मुझसे बोलो कि आर यू फ्री? आर यू फ्री? एक्सपेंसिव एवरी डे डार्लिंग। ओह माय गॉड, दफा हो जाएंगे इसे। सो माय मॉम, ओके दो हो गई है जी। सामने आए सर अपने फुल ड्रेस जी। अब हम एक्सप्लोर करने के लिए निकलने लगे। अब जो तीसरी है वो कौन है? आपी। आपी की लुक लग रही है पूरी पॉप वाली। यो यो, तो हीरा भी रेडी हो गई। हीरा इज लुकिंग प्रीटी नाइस। और नेकलेस सीधा कर लो अपना। लिप्स तुमने बड़े कैसे किए हैं? ये देखो ना लिप्स मेरे, देखो छोटे लग रहे, तुम्हारे बड़े लग रहे। तुमने आउटलाइन लगाई है शायद। सो आई थिंक टुडे वी ऑल आर वेयरिंग ब्लैक एंड व्हाइट एंड समथिंग। एंट्री होती है जी, निकलती है यहाँ से फातिमा, मनमोहिनी। फातिमा ने तो बैग भी अपने रखे हुए हैं यार प्रॉपर। ये लड़की जो है ना, ये लड़की एक लड़की मैं आपको दिखाती हूँ। लूंगी तुम्हें मैं, वैसे ही लूंगी, तैयार ही नहीं हो रही हो भाई। 8 बज गए हैं, जब इस्लामाबाद बंद हो जाएगा फिर, क्योंकि सुनने में आया कि जी बहुत जल्दी बंद हो जाता है, तो आई डोंट वांट कि जल्दी बंद हो। हम लोग आज आए हैं तो आज का दिन यूटिलाइज करें। ये लड़की तैयार नहीं है नंगे पांव, से जूता वाला शॉपर। मैंने तो जूते यहाँ नहीं रखे हैं। आपको मैंने जूते दिए थे ना? किसके किसके दिए थे? अपने वाले। मेरे जूते तुमने कब दिए थे यार? तुम दिए थे ना मैंने आपको, एक टायर टायर, मैंने कहा रख लेना। नहीं रखे, नहीं वो रखे ही नहीं है। कौन से? मैंने आपको दिए थे।
रवि आपने मुझे कब दिए? आपने नहीं कहा किसी पे नहीं रहते नहीं नहीं ब्लैक नहीं पहनो फिर कुछ और तलाशो यार इधर आओ राबिया के दो जूते यार तुमने मेरे अब जब कोई भी चीज हमेशा अपने हाथ से जब रखवा ये पहन लो फाइनली कुछ ते मिल गया आपको क्या चाहिए तुसी कार निकलो 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 सारे जहान के एक्सेसरीज पहन के तो नेकलेस है तुम्हारा फोन मुझे नहीं पता आज के व्लॉग में सबसे ज्यादा परेशान हुई है राबिया जो सबसे ज्यादा हम सबको परेशान मम्मा उसका फोन नहीं मिल रहा है पहले जूते नहीं मिल रहे थे राबिया के साथ भंड पे भंड हो रहा है प्रैंक पे प्रैंक हो रहा है मैंने कुछ नहीं किया मुझे नहीं पता बेल दे दो चोर क्या दिखाओ चलो अपना बैग फातिमा के पास देखो चलो ये लड़ाई शुरू वो इधर ढूंढ रही है गंद शुरू हो गया मम्मा यार प्लीज इनको निकाले मैं निकाल चले जी अब ये अपार्टमेंट से ही बाहर की एंट्री हम ले रहे हैं राबिया की सबसे लेट लतीफ तैयार हो ही चुकी है फाइनली ये हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं लेकिन मैंने नहीं आना किसी डिब्बे क्यों यार मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना और मैं हमारे पास है ना मेरा सब साजिश सामान इसके अंदर ओके क्या कह रही हो दिल कह रहा है मैं इस कुकर में लग के करूं पीछे झूले भी हैं तो मोबाइल ये देखे मेरी बहने सड़क पे खड़े होके इस्लामाबाद एक्सप्लोर करते हुए तो गाइस ये सबसे मशहूर जगह है इस्लामाबाद की यहाँ हम सब लोग तशरीफ ला चुके हैं लेट्स सी वेयर वी गो गाइस मैं आपको क्या दिखाऊं हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये जो लड़कियां ना ये तीन अदर ये हमारी बहने हैं ना ये बाहर इनकी फोटोज ही नहीं खत्म हो रही जूतों के साथ इनका शूट चल रहा है पागल हुई हुई है तो यहाँ पे हम लोग देखे खाने का वेट होगा वो लड़कियां ना अभी तक बाहर हैं लेकिन हमारा जो खाना है ना वो आ चुका है सपने की जैसे मेरी अम्मा ने डाइट कॉन्शियस मॉम ने मंगवाया है सैलेड मम्मा कैसा है खा लेंगी लेकिन वो देखे वो आप देख रहे हैं सबको वो उधर लगी हुई है ये है जी राबिया ये है जी ज़ैनब और ये है जी फातिमा सो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं अब हमारा टाइम आता है फाइनली इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करने का और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ है वैसे व्यू ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे लोग आते हैं ज़्यादा सुकून करने के लिए रिलैक्स करने के लिए मुझे लगता है क्योंकि लाहौर इसकी नस्बत बहुत ज़्यादा गहमा गहमी वाला शहर है तो लेट्स डू दैट ये देखें जी ये रोड है यहाँ पे हमने अब एक जगह पहुँचना है ये बड़ी खतरनाक रोड है और यहाँ से कहते हैं कि चीते निकल आते हैं मानो आप इस साइड पे एक चीती बैठे इतनी बड़ी बस अच्छा ये सड़क देखे कभी नीचे जाती है कभी ऊपर जाती है कभी गोल होती है कभी तिरछी होती है और ये देखिए पहाड़ के ऊपर है और ये ऐसे ऐसे से घूम रही है ये ऐसे लग रहा है जैसे हम जा रहे हैं स्वात कलाम लेकिन ये स्वात कलाम नहीं है यहाँ से ये थोड़ी सी कट्टे शट्टे पड़ी हुई है इसको देखे जरा ये तो लड़की सो हाँ ये आप ही हैं और ये देखे जरा सब यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं मां राबिया अभी तो तुम इतनी पिक्चर्स बना रही थी दस्ती सो गई हो जी मेरी साइड पे आ चुका है ये व्यू तो चेक करें यार इस व्यू के लिए हम ये बड़ा खतरनाक सा रास्ता चढ़ रहे हैं यू गाइस कैन सी नाउ और मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं बस आई एम एंजॉयिंग अच्छा ये कट है ये कट था हम आगे निकल गए थे वहाँ पे लेकिन जाना यहाँ था ये कट्स पे जो है ना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है मैं कह रही हूँ सारी दुनिया को फिर के देख ली नींद हर जगह ही आती है ये आपको रब को देख के अंदाजा हो रहा होगा ये भी देखना पिक्चर्स के टाइम कैसे एक्टिव हुई हुई थी और अब देखो इसको सुस्त औरत तुम्हें कह रही है और हीरा भी बेचारी सो रही है वो इसको भी जमाइया आ रही है यहाँ पे हम लोग आने से पहले ना मैं जब हम लोग घर से निकले थे ना तो मैंने एक दो ना शॉल्स और कहा था कि जैकेट रख लो सर्दी होगी नहीं इस्लामाबाद में लाहौर जैसा मौसम है भाई इधर आके ना सब ठिठर रहे हैं इस वक्त ये देखें इसने तो मैडम ने स्लीवलेस पहना ये भी देखें सर्दी लग रही है उधर से इसको भी सर्दी मम्मी को भी लग रही है मोटे बहन की सर्दी लग रही है बहुत कहाँ था ना तुमको भी उसको देखो हीरा को लग रही थी मुझे लग रही है यार मैं किसी का क्या बताऊँ मुझे सर्दी लग रही है और यहाँ से हम आपको सारा नाइट व्यू दिखाएंगे मेरी सारी बहनें अपने इंस्टाग्राम पर चूरन लेके ऐसे खड़ी हुई है इस व्लॉगर की किसी को टेंशन नहीं सब अपने इंस्टाग्राम का कैमरा लेके इधर खड़ी है देख रहे हैं आप राशा ये प्लान पहले से ही है कि इसको कौन सा रंग चाहिए वो अब देखे ड्रामा का इंस्टा पे ड्रामा लेकिन एस्ट्रोलॉजी के व्लॉग्स में कोई ड्रामा नहीं होता है शुद्ध असली देसी घी में पके हुए व्लॉग तीन लिए तीन के पैसे पे करने बस ठीक है जो मर्जी हो जाए मैंने यहाँ के स्वीट रोल्स ट्राई करने हैं कौन कौन से फ्लेवर्स हैं ये लगा हुआ तो हम लेंगे मिक्स हो सकते हैं
ये तुम पागल हो राबिया, उसकी पब्लिक पता लगे लाहौर से लोग आए थे तो बेचारों के रेड़े में से फूल ले गए, तो लाहौर लाहौर है इस्लामाबाद अच्छा है लेकिन खड़े होकर ऐसे खड़े होके नहीं मिलते। राबिया बेचारी बहुत जख्मी है, राबिया को लगी हुई है चोटें हाथों पे, ये देखें ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं आज राबिया के साथ क्या हुआ। मुझे कहते हैं मैंने उसे इंस्टाग्राम में लोगों के लिए बताने के लिए स्टोरी लगाई, राबिया ने कल जो है ना गरम गरम वैक्सीन करी है ऐसे, तो वो उसकी वजह से स्पॉट्स ही पड़ गए हैं बेचारे को, इसलिए घर पे ना करें, घर का पंगा ना ले रही, स्पेशली छोटी बच्चियां इस जैसी नाजुक, बिल्कुल मैं नाजुक हूं ना यू नो क्या पापा की परी, पापा की परी। मैं फोटो यहाँ खिंचवाना, मैंने इंस्टा पे पोस्ट करनी है अब, और फिर हम भी ऊपर चलेंगे। ओके लेट्स गो गाइस, हम लोग यहाँ एंटर हुए हैं मनाल, ये इस्लामाबाद की ना सबसे मशहूर जगह है जहाँ पर लोग आते हैं और व्यू को एंजॉय करते हैं। ये देखें ये हो रही है तैयार, लेकिन इसकी एंट्री मैं लूंगी बाद में, अभी ये नंगे पाँव है बट लुकिंग प्रिटी।